पीएम नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का जन्म 18 जून 1923 को हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी आज जीवन के 100वें वर्ष में प्रवेश कर गई। हीराबा गुजरात के गांधीनगर के बाहर इलाके में रायसन गांव में मोदी के छोटे भाई पंकज के साथ रहती है। मोदी परिवार ने हीराबा के जन्मदिन पर अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में भंडारा आयोजित करने की भी योजना बना रखी है। 100वें जन्मदिन के मौके पर पीएम मोदी ने गांधीनगर जाकर मां का आशीर्वाद लिया। इससे पहले मोदी मार्च 2022 में अपनी मां से मिलने गए थे। पीएम मोदी ने मां के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर मां शीर्षक से एक ब्लॉग भी लिखा है। इसमें मोदी जी ने तमाम यादें ताज़ा करते हुए अपने जीवन में मां के महत्व को समझाया है। आइए जानते हैं पीएम मोदी का अपनी मां के नाम लिखा हुआ ब्लॉग इस प्रकार है। मां सिर्फ एक शब्द नहीं, जीवन की ये भावना होती है जिसमें स्नेह, धैर्य, विश्वास कितना कुछ समाया होता है। दुनिया का कोई भी कोना हो, कोई भी देश हो, हर संतान के मन में सबसे अनमोल स्नेह माँ के लिए होता है। माँ सिर्फ हमारा शरीर ही नहीं गढ़ती बल्कि हमारा मन, हमारा व्यक्तित्व, हमारा आत्मविश्वास भी गढ़ती है। और अपनी संतान के लिए ऐसा करते हुए वह खुद को खपा देती है, खुद को भुला देती है। आज मैं अपनी खुशी, अपना सौभाग्य आप सबसे साझा करना चाहता हूँ। मेरी माँ हीराबा आज 18 जून को अपने 100वें वर्ष में प्रवेश कर रही हैं, यानी उनका जन्म शताब्दी वर्ष प्रारंभ हो रहा है। पिताजी आज होते तो पिछले सप्ताह वो भी 100 वर्ष के हो गए होते, यानी 2022 एक ऐसा वर्ष है जब मेरी माँ का जन्म शताब्दी वर्ष प्रारंभ हो रहा है। इसी साल मेरे पिताजी का जन्म शताब्दी वर्ष पूर्ण हुआ है। पिछले ही हफ्ते मेरे भतीजे ने गांधीनगर में माँ के कुछ वीडियो भेजे हैं। घर पर सोसाइटी के कुछ नौजवान लड़के आए हैं, पिताजी की तस्वीर कुर्सी पर रखी है, भजन कीर्तन चल रहा है और माँ मगन होकर भजन गा रही है, मंजीरा बजा रही है। माँ आज भी वैसी ही है। शरीर की ऊर्जा भले ही कम हो गई हो लेकिन मन की ऊर्जा यथावत है। वैसे हमारे यहाँ जन्मदिन मनाने की कोई परंपरा नहीं रही है, लेकिन परिवार में जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं उन्होंने पिताजी के जन्म शती वर्ष में इस बार 100 पेड़ लगाए हैं। आज मेरे जीवन में जो कुछ भी अच्छा है, मेरे व्यक्तित्व में जो कुछ भी अच्छा है, वो माँ और पिताजी की ही देन है। आज जब मैं यहाँ दिल्ली में बैठा हूँ तो कितना कुछ पुराना याद आ रहा है। मेरी माँ जितनी सामान्य है उतनी ही असाधारण भी, ठीक वैसे ही जैसे हर माँ होती है। आज जब मैं अपनी माँ के बारे में लिख रहा हूँ तो पढ़ते हुए आपको भी यह लग सकता है कि अरे मेरी माँ भी तो ऐसी है, मेरी माँ भी तो ऐसा ही किया करती है। ये पढ़ते हुए आपके मन में अपनी माँ की छवि उभरेगी। माँ की तपस्या उसके संतान को सही इंसान बनाती है, माँ की ममता उसके संतान को मानवीय संवेदनाओं से भरती है। माँ एक व्यक्ति नहीं, एक व्यक्तित्व तो नहीं है, माँ एक स्वरूप है। हमारे यहाँ कहते हैं जैसा भक्त वैसा भगवान, वैसे ही अपने मन के भाव के अनुसार हम माँ के स्वरूप को अनुभव कर सकते हैं। मेरी माँ का जन्म मेहसाणा जिले के विशनगर में हुआ था, वडनगर से बहुत दूर नहीं है। मेरी माँ को अपनी माँ यानी मेरी नानी का प्यार नसीब नहीं हुआ था। एक शताब्दी पहले आई वैश्विक महामारी का प्रभाव तब बहुत वर्षों तक रहा था। उसी महामारी ने मेरी नानी को भी मेरी माँ से छीन लिया था। माँ तब कुछ ही दिनों की रही होंगी। उन्हें मेरी नानी का चेहरा, उनकी गोद कुछ भी याद नहीं है। आप सोचिए, मेरी माँ का बचपन माँ के बिना ही बीता। वो अपनी माँ से जिद नहीं कर पाई, उनके आंचल में सिर नहीं छिपा पाई। माँ को अक्सर ज्ञान भी नसीब नहीं हुआ, उन्होंने स्कूल का दरवाज़ा भी नहीं देखा। उन्होंने देखी तो सिर्फ गरीबी और घर में हर तरफ अभाव। आज उन परिस्थितियों के बारे में माँ सोचती है तो कहती है कि ये ईश्वर की इच्छा रही होगी। लेकिन अपनी माँ को खोने का, उनका चेहरा तक न देख पाने का दर्द उन्हें आज भी है। बचपन के संघर्षों ने मेरी माँ की उम्र से बहुत पहले बड़ा कर दिया था। वो अपने परिवार में सबसे बड़ी थी और जब शादी हुई तो सबसे बड़ी बहू बनी। बचपन में जिस तरह वो अपने घर में सभी की चिंता करती थी, सभी का ध्यान रखती थी, सारे कामकाज की जिम्मेदारी उठाती थी, वैसे ही जिम्मेदारियां उन्होंने ससुराल में उठानी पड़ी। इन जिम्मेदारियों के बीच, इन परेशानियों के बीच माँ हमेशा शांत मन से हर स्थिति में परिवार को संभाले रही। वडनगर के जिस घर में हम लोग रहा करते थे वह बहुत छोटा था। उस घर में कोई खिड़की नहीं थी, कोई बाथरूम नहीं था, कोई शौचालय नहीं था। कुल मिलाकर मिट्टी की दीवारों और खपरेल की छत से बना एक डेढ़ कमरे का ढांचा ही हमारा घर था। उसी में मैं, माँ, पिताजी, हम सब भाई बहन रहा करते थे। तब छोटे से घर में माँ को खाना बनाने में कुछ सहूलियत रहे, इसलिए पिताजी ने घर में बांस की फटी और लकड़ी के पटरों की मदद से एक मचान जैसी बनवा दी थी। वही मचान हमारे घर की रसोई थी। माँ उसी पर चढ़कर खाना बनाया करती थी और हम लोग उसी घर में बैठकर खाना खाया करते थे। सामान्य रूप से जहाँ अभाव रहता है वहाँ तनाव भी रहता है। मेरे माता पिता की विशेषता रही कि अभाव के बीच भी उन्होंने घर में कभी तनाव को हावी नहीं होने दिया। दोनों ने ही अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ साझा की हुई थी। कोई भी मौसम हो, गर्मी हो, बारिश हो, पिताजी 4 बजे भोर से पहले घर से निकल जाया करते थे। आसपास के लोग पिताजी के कदमों की आवाज़ से जान जाते थे कि 4 बज गए हैं।
दामोदर काका जा रहे हैं, घर से निकलकर मंदिर जाना, प्रभु दर्शन करना और फिर चाय की दुकान पर पहुंच जाना उनका नित्य कर्म रहा करता था। माँ भी समय की उतनी ही पाबंद थी, उन्हें भी सुबह 4 बजे उठने की आदत थी। सुबह सुबह ही वो हमारे सारे काम निपटा लिया करती थी, गेहूँ पीसना हो, बाजरा पीसना हो, चावल या दाल बीनना हो, सारे काम वो खुद करती थी। काम करते हुए माँ अपने कुछ पसंदीदा भजन भी गाया करती थी, प्रभातियाँ गुनगुनाती रहती थी। नरसिंह मेहता जी का एक प्रसिद्ध भजन है, जल कमल छाड़ी जाने वाला स्वामी अमारो जागसी, वो उन्हें बहुत पसंद है। एक लोरी भी है, शिवाजी नो हालरडू, माँ ये बहुत गुनगुनाती है। माँ कभी अपेक्षा नहीं करती थी कि हम भाई बहन अपनी पढ़ाई छोड़कर उनकी मदद करें, वो कभी मदद के लिए उनका हाथ बटाने के लिए नहीं कहती थी। माँ को लगातार काम करते देखकर हम भाई बहनों को खुद ही लगता था कि काम में उनका हाथ बटाएं। मुझे तालाब में नहाने का, तालाब में तैरने का बड़ा शौक था, इसलिए मैं भी घर के कपड़े लेकर उन्हें तालाब में धोने के लिए निकल जाता था। कपड़े भी धुल जाते थे और मेरा खेल भी हो जाता था। घर चलाने के लिए 2-4 पैसे ज़्यादा मिल जाएं, इसके लिए माँ दूसरों के घर में बर्तन भी मांजा करती थी। समय निकालकर चरखा भी चलाया करती थी, क्योंकि उससे भी कुछ पैसे जुट जाते थे। कपास के छिलके से रुई निकालने का काम, रुई से धागे बनाने का काम, ये सब कुछ काम माँ खुद करती थी। उन्हें डर रहता था कि कपास से छिलके के कांटे हमें न चुभ जाए। अपने काम के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहना, अपना काम किसी दूसरे से करवाना उन्हें कभी पसंद नहीं आया। मुझे याद है वडनगर वाले मिट्टी के घर में बारिश के मौसम में कितनी दिक्कतें होती थी, लेकिन माँ की कोशिश रहती थी कि परेशानी कम से कम हो, इसलिए जून के महीने में कड़ी धूप में माँ घर की छत की खपरेल को ठीक करने के लिए ऊपर चढ़ जाया करती थी। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती थी, लेकिन हमारा घर इतना पुराना हो गया था कि उसकी छत तेज़ बारिश सह नहीं पाती थी। बारिश में हमारे घर में कभी पानी यहाँ से टपकता था, कभी वहाँ से, पूरे घर में पानी न भर जाए, घर की दीवारों को नुकसान न पहुँचे, इसलिए माँ ज़मीन पर बर्तन रख दिया करती थी। छत से टपकता हुआ पानी उसमें इकट्ठा होता रहता था। उन पलों में भी मैंने माँ को कभी परेशान होते नहीं देखा, खुद को कोसते नहीं देखा। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि बाद में उसी पानी को माँ घर के काम के लिए अगले 2-3 दिन तक इस्तेमाल करती थी। जल संरक्षण का इससे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है। माँ को घर सजाने का, घर को सुंदर बनाने का बहुत शौक था। घर सुंदर दिखे, साफ दिखे, इसके लिए वो दिन भर लगी रहती थी। वो घर के भीतर की ज़मीन को गोबर से लीपती थी। आप लोगों को पता होगा कि जब उपले या गोबर के कंडे में आग लगाओ तो कई बार शुरू में बहुत धुआं होता है। माँ तो बिना किसी खिड़की वाले उस घर में उपले पर ही खाना बनाती थी, धुआं निकल नहीं पाता था, इसलिए घर के भीतर की दीवारें बहुत जल्दी काली हो जाया करती थी। हर कुछ हफ्तों में माँ उन दीवारों की भी पुताई कर दिया करती थी, इससे घर में एक नयापन सा आ जाता था। माँ मिट्टी की बहुत सुंदर कटोरियाँ बनाकर भी उन्हें सजाया करती थी। पुरानी चीज़ों को रिसाइकिल करने की हम भारतीयों में जो आदत है, माँ उसकी भी चैम्पियन रही है। उनका एक और बड़ा ही निराला और अनोखा तरीका मुझे याद है। वो अक्सर पुराने कागजों को भिगोकर उनके साथ इमली के बीज पीसकर एक पेस्ट जैसा बना लेती थी, बिल्कुल गोंद की तरह। फिर इस पेस्ट की मदद से वो दीवारों पर शीशे के टुकड़े चिपकाकर बहुत सुंदर चित्र बनाया करती थी। बाजार से कुछ कुछ सामान लाकर वो घर के दरवाजों को भी सजाया करती थी। माँ इस बात को लेकर हमेशा बहुत नियम से चलती थी कि बिस्तर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो, बहुत अच्छे से बिछा हुआ हो, धूल का एक कण भी उन्हें चादर पर बर्दाश्त नहीं था। थोड़ी सी सलवट देखते ही वो पूरी चादर फिर से झाड़कर करीने से बिछाती थी। हम लोग भी माँ की इस आदत का पूरा ध्यान रखते थे। आज इतने वर्षों बाद भी माँ जिस घर में रहती है वहाँ इस बात पर बहुत जोर देती है कि उनका बिस्तर जरा भी सिकुड़ा हुआ हो न, हर काम में परफेक्शन का उनका भाव इस उम्र में भी वैसा का वैसा है। और गांधीनगर में अब तो भैया का परिवार है, मेरे भतीजों का परिवार है, वो कोशिश करती है कि आज भी अपना सारा काम खुद ही करे। साफ सफाई को लेकर वो कितनी सतर्क रहती है, ये तो मैं आज भी देखता हूँ। दिल्ली से मैं जब भी गांधीनगर जाता हूँ, उनसे मिलने पहुँचता हूँ, तो मुझे अपने हाथ से मिठाई ज़रूर खिलाती है। और जैसे एक माँ किसी छोटे बच्चे को कुछ खिलाकर उसका मुँह पोंछती है, वैसे ही मेरी माँ आज भी कुछ खिलाने के बाद किसी रुमाल से मेरा मुँह ज़रूर पोंछती है। वो अपनी साड़ी में हमेशा एक रुमाल या छोटा तौलिया खोंस कर रखती है। माँ के सफाई प्रेम के तो इतने किस्से हैं कि लिखने में बहुत वक्त बीत जाएगा। माँ में एक और ख़ास बात रही है, जो साफ सफाई के काम करता है उसे भी माँ बहुत मान देती है। मुझे याद है वडनगर में हमारे घर के पास जो नाली थी, जब उसकी सफाई के लिए कोई आता था तो माँ बिना चाय पिलाए उसे जाने नहीं देती थी। बाद में सफाई वाले भी समझ गए कि काम के बाद अगर चाय पीनी है तो हमारे घर में ही मिल सकती है। मेरी माँ की एक और अच्छी आदत रही है जो मुझे हमेशा याद रही है, जीवों पर दया करना उनके संस्कारों में झलकता रहा है। गर्मी के दिनों में पक्षियों के लिए मिट्टी के बर्तनों में दाना और पानी जरूर रखा करती थी, जो हमारे घर के आसपास
स्ट्रीट डॉग्स रहते थे, वो भूखे ना रहे, माँ इसका भी ख्याल रख। पिताजी अपनी चाय की दुकान से जो मलाई लाते थे, माँ उससे बड़ा अच्छा घी बनाती थी। और घी पर सिर्फ हम लोगों का ही अधिकार हो ऐसा नहीं था, घी पर हमारे मोहल्ले की गायों का भी अधिकार था। माँ हर रोज़ नियम से गौ माता को रोटी खिलाती थी, लेकिन सूखी रोटी नहीं, हमेशा उस पर घी लगा के देती थी। भोजन को लेकर माँ को हमेशा से यह भी आग्रह रहा है कि अन्न का एक दाना भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। हमारे कस्बे में जब किसी के शादी ब्याह में सामूहिक भोजन का आयोजन होता था, तो वहाँ जाने से पहले माँ सभी को ये बात ज़रूर याद दिलाती थी कि खाना खाते समय अन्न मत बर्बाद करना। घर में भी उन्होंने यही नियम बनाया हुआ था कि उतना ही खाना थाली में लो जितनी भूख है। माँ आज भी जितना खाना खाना होता है उतना ही भोजन अपनी थाली में लेती है। आज भी अपनी थाली में वो अन्न का एक दाना भी नहीं छोड़ती। नियम से खाना, तय समय पर खाना और बहुत चबा चबा के खाना, इस उम्र में भी उनकी आदत में बना हुआ है। माँ हमेशा दूसरों को खुश देखकर खुश रहा करती है। घर में जगह भले ही कम हो लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा है। हमारे घर में थोड़ी दूर पर एक गांव था जिसमें मेरे पिताजी के बहुत करीबी दोस्त रहा करते थे। उनका बेटा था अब्बास। दोस्त की ऐसे में मृत्यु के बाद पिताजी अब्बास को हमारे घर पर ही ले आए थे। एक तरह से अब्बास हमारे घर में रहकर पड़ा। हम सभी बच्चों की तरह माँ अब्बास की भी बहुत देखभाल करती थी। ईद पर माँ अब्बास के लिए उसकी पसंद के पकवान बनाती थी। त्योहारों के समय आसपास के कुछ बच्चे हमारे यहाँ ही आकर खाना खाते थे। उन्हें भी मेरी माँ के हाथ का बनाया खाना बहुत पसंद था। हमारे घर के आसपास जब भी कोई साधु संत आते थे तो माँ उन्हें घर बुलाकर भोजन अवश्य कराती थी। जब वो जाने लगते तो माँ अपने लिए नहीं बल्कि हम भाई बहनों के लिए आशीर्वाद मांगती थी। उनसे कहती थी कि मेरी संतानों को आशीर्वाद दीजिए कि वो दूसरों के सुख में सुख देखें और दूसरों के दुख से दुखी हो। मेरे बच्चों में भक्ति और सेवा भाव पैदा हो, उन्हें ऐसा आशीर्वाद दीजिए। मेरी माँ का मुझ पर बहुत अटूट विश्वास रहा है, उन्हें अपने दिए संस्कारों पर पूरा भरोसा रहा है। मुझे दशकों पुरानी एक घटना याद आ रही है। जब तक मैं संगठन में रहते हुए जनसेवा के काम में जुट चुका था, घर वालों से संपर्क ना के बराबर ही रह गया था। उसी दौर में एक बार मेरे बड़े भाई माँ को बद्रीनाथ जी केदारनाथ जी के दर्शन कराने के लिए ले गए थे। बद्रीनाथ में जब माँ ने दर्शन किए तो केदारनाथ में भी लोगों को खबर लग गई कि मेरी माँ आ रही है। उसी समय अचानक मौसम भी बहुत ख़राब हो गया था। ये देखकर कुछ लोग केदार घाटी से नीचे की तरफ चल पड़े। वो अपने साथ में कंबल भी ले गए। वे रास्ते में बुजुर्ग महिलाओं से पूछते जा रहे थे कि क्या आप नरेंद्र मोदी की माँ हैं। ऐसे ही पूछते वो लोग माँ तक पहुँचे। उन्होंने माँ को कंबल दिया, चाय पिलाई, फिर तो वो लोग पूरी यात्रा में माँ के साथ ही रहे। केदारनाथ पहुँचने पर उन लोगों ने माँ के रहने के लिए अच्छा इंतजाम किया। इस घटना का माँ के मन पर प्रभाव पड़ा। तीर्थ यात्रा से लौटकर जब माँ मुझसे मिली तो कहा, कुछ तो अच्छा काम कर रहे हो तुम, लोग तुम्हें पहचानते हैं। अब इस घटना के इतने वर्षों बाद जब आज लोग माँ के पास जाकर पूछते हैं कि आपका बेटा पीएम है, आपको गर्व तो होता होगा, तो माँ का बड़ा जवाब गहरा होता है। माँ उन्हें कहती है, जितना आपको गर्व होता है उतना ही मुझे भी होता है। वैसे भी मेरा कुछ नहीं है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, वो तो भगवान का है। आपने भी देखा होगा मेरी माँ कभी किसी सरकारी या सार्वजनिक कार्यक्रम में मेरे साथ नहीं जाती है। अब तक दो बार ही ऐसा हुआ है जब वो किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में मेरे साथ आई हैं। एक बार मैं जब एकता यात्रा के बाद श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराकर लौटा था तो अहमदाबाद में हुए नागरिक सम्मान कार्यक्रम में माँ ने मंच पर आकर मेरा टीका किया था। माँ के लिए वो बहुत ही भावुक पल इसलिए भी था क्योंकि एकता यात्रा के दौरान फगबड़ा में एक हमला हुआ था, उसमें कुछ लोग मारे भी गए थे। उस समय माँ मुझे लेकर बहुत चिंता में थी। तब मेरे पास दो लोगों का फ़ोन आया था, एक अक्षरधाम मंदिर के श्रद्धेय प्रमुख स्वामी जी का और दूसरा फ़ोन मेरी माँ का था। माँ को मेरा हाल जानकर कुछ तसल्ली हुई थी। दूसरी बार वो सार्वजनिक तौर पर मेरे साथ तब आई थी जब मैंने पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। 20 साल पहले का वो शपथ ग्रहण ही आखिरी समारोह है जब माँ सार्वजनिक रूप से मेरे साथ कहीं उपस्थित रहीं। इसके बाद वो कभी किसी कार्यक्रम में मेरे साथ नहीं आई। मुझे एक और वाक्य याद आ रहा है। जब मैं सीएम बना तो मेरे मन में इच्छा थी कि अपने सभी शिक्षकों का सार्वजनिक रूप से सम्मान करूं। मेरे मन में यह भी था कि माँ तो मेरी सबसे बड़ी शिक्षक रही है, उनका सम्मान होना चाहिए। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, माता से बड़ा कोई गुरु नहीं है, नास्ति मातृ समं गुरु। इसलिए मेरी माँ से भी कहा था कि आप भी मंच पर आइएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि देख भाई, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, तुम्हारा मेरी कोख से जन्म लेना लिखा हुआ था, तुम्हें मैंने नहीं भगवान ने गढ़ा है। ये कहकर माँ उस कार्यक्रम में नहीं आई थी। मेरे सभी शिक्षक आए थे लेकिन माँ उस कार्यक्रम से दूर ही रही। लेकिन मुझे याद है उन्होंने उस समारोह में
पहले मुझसे ये जरूर पूछा था कि हमारे कस्बे में जो शिक्षक जेठाबाई जोशी जी थे, क्या उनके परिवार से कोई इस कार्यक्रम में आएगा? बचपन में मेरी शुरुआती पढ़ाई लिखाई मुझे अक्षर ज्ञान गुरुजी जेठाबाई जोशी जी ने कराया था। माँ को उनका ध्यान था। यह भी पता था कि अब जोशी जी हमारे बीच नहीं हैं। वो खुद नहीं आई, लेकिन जेठाबाई जोशी जी के परिवार को जरूर बुलाने को कहा। अक्षर ज्ञान के बिना भी कोई सचमुच में शिक्षित कैसे होता है, ये मैंने हमेशा अपनी माँ में देखा। उनके सोचने का दृष्टिकोण, उनकी दूरगामी दृष्टि मुझे कई बार हैरान कर देती है। अपने नागरिक कर्तव्यों के प्रति माँ हमेशा से बहुत सजग रही हैं। जब से चुनाव होने शुरू हुए, पंचायत से पार्लियामेंट तक के इलेक्शन में उन्होंने वोट देने का दायित्व निभाया। कुछ समय पहले हुए गांधीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में भी माँ वोट डालने गई थी। कई बार मुझे वो कहती है, देखो भाई, पब्लिक का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, ईश्वर का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम्हें कभी कुछ नहीं होगा। वो बोलती है कि अपना शरीर हमेशा अच्छा रखना, खुद को स्वस्थ रखना, क्योंकि शरीर अच्छा रहेगा तभी तुम अच्छा काम भी कर पाओगे। एक समय था जब माँ बहुत नियम से चतुर्मास किया करती थी। माँ को पता है कि नवरात्र के समय मेरे नियम क्या हैं। पहले तो नहीं कहती थी, लेकिन इधर बीच वो कहने लगी कि इतने साल तो कर लिया, अब नवरात्र के समय कठिन व्रत तपस्या करते हो, उसे थोड़ा आसान कर लो। मैंने अपने जीवन में आज तक माँ से कभी किसी के लिए कोई शिकायत नहीं सुनी। ना ही वो किसी की शिकायत करती है और ना ही वो किसी से कुछ अपेक्षा रखती है। माँ के नाम आज भी कोई संपत्ति नहीं है। मैंने उनके शरीर पर कभी सोना नहीं देखा, उन्हें सोने गहने का कोई मोह नहीं है। वो पहले भी सादगी से रहती थी, आज भी वैसे ही अपने छोटे से कमरे में पूरी सादगी में रहती है। ईश्वर पर माँ की अगाध आस्था है, लेकिन वो अंधविश्वास से कोसों दूर रहती है। हमारे घर को उन्होंने हमेशा अंधविश्वास से बचा कर रखा है। वो शुरू से कबीरपंथी रही हैं, आज भी उसी परंपरा में अपना पूजा पाठ करती है। हाँ, माला जपने की आदत सी पड़ गई है उन्हें। दिन भर भजन और माला जपना इतना ज़्यादा हो जाता है कि नींद भी भूल जाती है। घर के लोगों को माला छिपानी पड़ती है, तब जाकर वो सोती है, उन्हें नींद आती है। इतने बरस की होने के बावजूद माँ की याददाश्त अब भी बहुत अच्छी है। उन्हें दशकों पहले की बातें अच्छी तरह याद है। आज भी कभी कोई रिश्तेदार उनसे मिलने जाता है और अपना नाम बताता है तो वो तुरंत उनके दादा दादी नाना नानी का नाम लेकर बोलती है, अच्छा तो तुम उनके घर से हो, दुनिया में क्या चल रहा है। आज भी इस पर माँ की नज़र रहती है। हाल फिलहाल मैंने माँ से पूछा कि आजकल टीवी कितना देखती हो। माँ ने कहा, टीवी पर तो जब देखो तब सब आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं। हाँ, कुछ हैं जो शांति से समझाते हैं और मैं उन्हें देखती हूँ। माँ इतना गौर कर रही है, ये देखकर मैं तो आश्चर्यचकित रह गया। उनकी तेज याददाश्त से जुड़ी एक और बात मुझे याद आ रही है। ये 2017 की बात है, जब मैं यूपी चुनाव के आखिरी दिनों में काशी में था। वहाँ से मैं अहमदाबाद गया तो माँ के लिए काशी से प्रसाद लेकर भी गया था। माँ से मिला तो उन्होंने पूछा कि क्या काशी के विश्वनाथ महादेव के दर्शन किए थे। माँ पूरा ही नाम लेती है, काशी विश्वनाथ महादेव। फिर बातचीत से माँ ने पूछा कि क्या काशी विश्वनाथ महादेव के मंदिर तक जाने का रास्ता अभी वैसा ही है? ऐसा लगता है कि किसी के घर में मंदिर बना हुआ हो। मैंने हैरान होकर उनसे पूछा कि आप कब गई थी। माँ ने बताया, बहुत साल पहले गई थी। माँ की उतने साल पहले की गई तीर्थ यात्रा भी अच्छी तरह याद है। माँ में जितनी ज़्यादा संवेदनशीलता है, सेवा भाव भी है, उतनी ही ज़्यादा उनकी नज़र भी पारखी रही है। माँ छोटे बच्चों के उपचार में कई देसी तरीके जानती है। वडनगर वाले घर में तो अक्सर हमारे यहाँ सुबह से ही कतार लग जाती थी। लोग अपने 6 से 8 महीने के बच्चों को दिखाने के लिए माँ के पास लाते थे। इलाज करने के लिए माँ को कई बार बहुत बारीक पाउडर की भी ज़रूरत होती थी। ये पाउडर जुटाने का इंतजाम घर के हम बच्चों का ही था। माँ हमें चूल्हे से निकली राख, एक कटोरी और एक महीन सा कपड़ा देती थी। फिर हम लोग उस कटोरी के मुँह पर वो कपड़ा कस के बांध कर 5-6 चुटकी राख उस पर रख देते थे। फिर धीरे धीरे हम कपड़े की रखी उस राख को रगड़ते थे। ऐसा करने पर राख के जो सबसे महीन कण होते थे वो कटोरी में नीचे जमा हो जाते थे। माँ हम लोगों को हमेशा कहती थी कि अपना काम अच्छे से करना, राख के मोटे दानों की वजह से बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसी ही मुझे एक और बात याद आ रही है जिसमें माँ की ममता भी है और सूझबूझ भी है। दरअसल एक बार पिताजी को एक धार्मिक अनुष्ठान करवाना था। इसके लिए हम सभी को नर्मदा जी के तट पर किसी स्थान पर जाना था। भीषण गर्मी के दिन थे, इसलिए वहाँ जाने के लिए हम लोग सुबह सुबह ही घर से निकल लिए थे। करीब 3-3.5 घंटे का सफ़र रहा होगा। हम जहाँ बस से उतरे वहाँ से आगे का रास्ता पैदल ही जाना था, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि ज़मीन से जैसे आग निकल रही हो। इसलिए हम लोग नर्मदा जी के किनारे पानी में पैर रखकर चलने लगे थे।
नदी में इस तरह चलना आसान नहीं होता। कुछ ही देर में हम बच्चे बुरी तरह थक गए, जोर की भूख भी लगी थी। माँ हम सभी की स्थिति देख रही थी, समझ रही थी। माँ ने पिताजी को कहा कि थोड़ी देर के लिए बीच में हम यहीं रुक जाते हैं। माँ ने पिताजी को तुरंत आसपास कहीं से गुड़ खरीद कर लाने को कहा। पिताजी दौड़े हुए गए और गुड़ खरीद कर लाए। मैं तब बच्चा था, लेकिन गुड़ खाने के बाद पानी पीते ही जैसे शरीर में नई ऊर्जा आ गई। हम सभी फिर चल पड़े। उस गर्मी में पूजा के लिए उस तरह निकलना, माँ की वो समझदारी, पिताजी का तुरंत गुड़ खरीद कर लाना, मुझे आज भी एक एक पल अच्छी तरह याद है। दूसरों की इच्छा का सम्मान करने की भावना, दूसरों पर अपनी इच्छा न थोपने की भावना, मैंने माँ में बचपन से ही देखी है। खास तौर पर मुझे लेकर वो बहुत ध्यान रखती थी। वो मेरे और मेरे निर्णयों के बीच कभी दीवार न बने। उनसे मुझे हमेशा प्रोत्साहन ही मिला। बचपन से वो मेरे मन में एक अलग ही प्रकार की प्रवृत्ति पनपते हुए देख रही थी। मैं अपने सभी भाई बहनों से अलग सा रहता था। मेरी दिनचर्या की वजह से, मेरे तरह तरह के प्रयोगों की वजह से कई बार माँ को मेरे लिए अलग से इंतजाम भी करने पड़ते थे, लेकिन उनके चेहरे पर कभी शिकन भी नहीं आई। माँ ने कभी इसे बोझ नहीं माना, जैसे मैं महीनों महीनों के लिए खाने में नमक छोड़ देता था। कई बार ऐसा होता था कि मैं हफ्तों हफ्तों अन्न त्याग देता था, सिर्फ दूध ही पिया करता था। कभी तय कर लेता था कि अब 6 महीने तक मीठा नहीं खाऊंगा। सर्दी के दिनों में मैं खुले में सोता था, नहाने के लिए मटके के ठंडे पानी से नहाया करता था। मैं अपनी परीक्षा स्वयं ही ले रहा था। माँ मेरे मनोभावों को समझ रही थी। वो कोई जिद नहीं करती थी, वो यही कहती थी कि ठीक है भाई, जैसा तुम्हारा मन करे। माँ को आभास हो रहा था कि मैं कुछ अलग ही दिशा में जा रहा हूँ। मुझे याद है एक बार हमारे घर के पास गिरी महादेव मंदिर में एक महात्मा जी आए हुए थे। वो हाथ में जवारे उगाकर तपस्या कर रहे थे। मैं बड़े मन से उनकी सेवा में जुटा हुआ था। उसी दौरान मेरी मौसी की शादी पड़ गई थी। परिवार में सबको वहाँ जाने का बहुत मन था। मामा के घर जाना था, माँ की बहन की शादी थी, इसलिए माँ भी बहुत उत्साह में थी। सब अपनी तैयारी में जुटे थे, लेकिन मैंने माँ के पास जाकर कहा कि मैं मौसी की शादी में नहीं जाना चाहता। माँ ने वजह पूछी तो मैंने उन्हें महात्मा जी वाली बात बताई। माँ को दुख जरूर हुआ मैं उनकी बहन की शादी में नहीं जा रहा, लेकिन उन्होंने मेरे मन का आदर किया। वो यही बोली कि ठीक है, जैसा तुम्हारा मन करे वैसा ही करो। लेकिन उन्हें इस बात की चिंता थी कि मैं अकेले घर में रहूँगा तो कैसे, मुझे तकलीफ ना हो, इसलिए वो मेरे लिए 4-5 दिन का सूखा खाना बनाकर घर में रख गई थी। मैंने जब घर छोड़ने का फैसला कर लिया तो उसे भी माँ कई दिन पहले ही समझ गई थी। मैं माँ पिताजी से बात बात में कहता ही रहता था कि मेरा मन करता है बाहर जाकर देखूँ दुनिया क्या है। मैं उनसे कहता था कि रामकृष्ण मिशन के मठ में जाना है। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में भी उनसे खूब बातें किया करता था। माँ पिताजी यह सब सुनते रहते थे। यह सिलसिला कई दिनों तक लगातार चला। एक दिन आखिरकार मैंने माँ पिता को घर छोड़ने की इच्छा जताई और उनसे आशीर्वाद मांगा। मेरी बात सुनकर पिताजी बहुत दुखी हुए। वो थोड़ा खिन्न होकर बोले, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। लेकिन मैंने कहा कि मैं ऐसे बिना आशीर्वाद घर छोड़कर नहीं जाऊँगा। माँ को मेरे बारे में सब कुछ पता था ही। उन्होंने फिर मेरे मन का सम्मान किया। वो बोली कि जो तुम्हारा मन करे वही करो। हाँ, पिताजी की तसल्ली के लिए उन्होंने उनसे कहा कि वो चाहे तो मेरी जन्मपत्री किसी को दिखा ले। हमारे एक रिश्तेदार को ज्योतिष का भी ज्ञान था। पिताजी मेरी जन्मपत्री के साथ उनसे मिले। जन्मपत्री देखने के बाद उन्होंने कहा कि उसकी तो राह ही कुछ अलग है, ईश्वर ने यह तय किया है, वो वहीं जाएगा। इसके कुछ घंटों बाद ही मैंने घर छोड़ दिया था। तब तक पिताजी भी बहुत सहज हो चुके थे। पिताजी ने मुझे आशीर्वाद दिया। घर से निकलने से पहले माँ ने मुझे दही और गुड़ भी खिलाया। वो जानती थी कि अब मेरा आगे का जीवन कैसा होने जा रहा है। माँ की ममता कितनी ही कठोर होने की कोशिश करे, जब उसकी संतान घर से दूर जा रही हो तो पिघल ही जाती है। माँ की आँख में आंसू थे, लेकिन मेरे लिए खूब सारा आशीर्वाद भी था। घर छोड़ने के बाद के वर्षों में मैं जहाँ तक रहा, जिस हाल में रहा, माँ के आशीर्वाद की अनुभूति हमेशा मेरे साथ रही। माँ मुझसे गुजराती में ही बात करती है। गुजराती में तुम के लिए तू और आप के लिए तमें कहा जाता है। मैं जितने दिन घर में रहा, माँ मुझसे तू कहकर ही बात करती थी। लेकिन जब मैंने घर छोड़ा, अपनी राह बदली, उसके बाद कभी भी माँ ने मुझसे तू कहकर बात नहीं की। वो आज भी मुझे आप या तमें कहकर ही बात करती है। मेरी माँ ने हमेशा मुझे अपने सिद्धांत पर डटे रहने, गरीब के लिए काम करते रहने के लिए प्रेरित किया है। मुझे याद है जब मेरा मुख्यमंत्री बनना तय हुआ तो मैं गुजरात में नहीं था। एयरपोर्ट से मैं सीधे माँ से मिलने गया था। खुशी से भरी हुई माँ का पहला सवाल यही था, क्या तुम अब यहीं रहा करोगे? माँ मेरा उत्तर जानती थी, फिर मुझसे बोली, मुझे सरकार में तुम्हारा काम तो समझ नहीं आता, लेकिन मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम कभी रिश्वत नहीं लेना। यहाँ दिल्ली आने के बाद माँ से मिलना जुलना और भी कम हो गया है। जब गांधीनगर जाता हूँ तो कभी कभार माँ के घर जाना होता है, माँ से मिलना होता है।
बस कुछ पलों के लिए, लेकिन माँ के मन में इसे लेकर कोई नाराजगी या दुख का भाव मैंने आज तक महसूस नहीं किया। माँ का स्नेह मेरे लिए वैसा ही है, माँ का आशीर्वाद मेरे लिए वैसा ही है। माँ अक्सर पूछती है, दिल्ली में अच्छा लगता है, मन लगता है? वो मुझे बार बार याद दिलाती है कि मेरी चिंता मत किया करो, तुम पर बड़ी जिम्मेदारी है। माँ से जब भी फ़ोन पर बात होती है तो यही कहती है, देख भाई, कभी कोई गलत काम मत करना, बुरा काम मत करना, हमेशा गरीब के लिए काम करना। आज अगर मैं अपनी माँ और अपने पिता के जीवन को देखूँ तो उनकी सबसे बड़ी विशेषताएँ यही रही हैं, ईमानदारी और स्वाभिमान। गरीबी से जूझते हुए परिस्थितियाँ कैसी भी रही हो, मेरे माता पिता ने कभी ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ा, अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। उनके पास हर मुश्किल से निकलने का एक ही तरीका था, मेहनत, दिन रात मेहनत। पिताजी जब तक जीवित रहे उन्होंने इस बात का पालन किया कि वो किसी पर बोझ नहीं बने। मेरी माँ आज भी इसी प्रयास में रहती है, किसी पर बोझ नहीं बने, जितना संभव हो अपने काम खुद करे। आज भी जब मैं माँ से मिलता हूँ तो वो हमेशा कहती है कि मैं मरते समय तक किसी की सेवा नहीं लेना चाहती, बस ऐसे ही चलते फिरते चले जाने की इच्छा है। मैं अपनी माँ की इस जीवन यात्रा में देश की समूची मातृशक्ति के तप, त्याग और योगदान के दर्शन करता हूँ। मैं जब अपनी माँ और उनकी जैसी करोड़ों नारियों के सामर्थ्य को देखता हूँ तो मुझे ऐसा कोई भी लक्ष्य नहीं दिखाई देता जो भारत की बहन बेटियों के लिए असंभव हो। अभाव की हर कथा में बहुत ऊपर एक माँ की गौरव गाथा होती है, संघर्ष के हर पल में बहुत ऊपर एक माँ की इच्छा शक्ति होती है। माँ, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जन्म शताब्दी वर्ष शुरू होने जा रहा है। सार्वजनिक रूप से कभी आपके लिए इतना लिखने का, इतना कहने का साहस नहीं कर पाया। आप स्वस्थ रहें, हम सभी पर आपका आशीर्वाद बना रहे, ईश्वर से यही प्रार्थना है।